तो सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लीजिए, पैसा बाजार के अंदर हमें 2 लाख रुपए का लोन वो भी पूरे 3 साल के लिए दिया जा रहा है, और यहाँ पे इस पैसे को हम एक क्लिक के अंदर अपने बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। वेल गाइज, अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आपने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके थक चुके हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैसा बाजार के बारे में बताने वाला हूँ कि आप पैसा बाजार के अंदर कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, कहने के लिए तो यहाँ पे मेडिएटर का काम करता है, क्योंकि पैसा बाजार के अंदर बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है और यहां पे आपको कोई ना कोई कंपनी से लोन जरूर मिल जाएगा। जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हैं, 2 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है और इसे हम एक क्लिक के अंदर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर पाएंगे। अब देखो, आज के टाइम में पैसा बाजार एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे लोग गलत तरीके से लोन अप्लाई कर रहे हैं और यहां पे उनको पता नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, आप इस पूरा वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको पैसा बाजार एप्लीकेशन से कैसे लोन लेना है वो आप कंप्लीट प्रोसेस सीख पाएंगे, और इस वीडियो में आपको 2 से 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका लोन आसानी से अप्रूवल हो जाएगा। तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक वॉच कीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पैसा बाजार एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको पैसा बाजार एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के अंदर डाउनलोड करना है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पैसा बाजार एप्लीकेशन का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे लाके आपको छोड़ दिया जाएगा। एप्लीकेशन को सबसे पहले आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए, एक बार एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, सिंपली आपको यहाँ से ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं, आपके सामने पैसा बाजार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको पैसा बाजार के बारे में बताया जाता है। सिंपली आप स्किप करिएगा और पहले स्टेप के अंदर आपको पैसा बाजार एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो देखिए, इसके लिए आप गूगल से कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन नंबर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइन इन विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है उसे आपको फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाती है, यहाँ पे आपको अपना ओटीपी वेरीफाई करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आपको पैसा बाजार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको ऐसे लोन्स नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पैसा बाजार के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ लोन नहीं बल्कि यहाँ से क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, बहुत कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम आपको लोन के बारे में बताने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको माइक्रो लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, इवन यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर कम अमाउंट का जरूरत है, मीन्स अगर 50,000 के आसपास लोन अमाउंट चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे आप माइक्रो लोन चूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और यहाँ पे अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप पर्सनल लोन के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेप के अंदर चूज करना है कि आखिर आप क्या काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, 3 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर सैलरीड पर्सन है तो भाई साहब आपका तो बल्ले बल्ले है। फिर भी अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, मतलब मान लो आपका दुकान शॉप वगैरह है, या फिर आप फ्रीलांसर हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं, पैसा बाजार आपसे ये पूछता है कि भाई साहब आखिर आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, 2 लाख चाहिए, 2 लाख से 5 लाख चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 20 लाख से अबव भी है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का हमें लोन चाहिए। उसके बाद पूछता है कि आपका टर्नओवर कितना है, मतलब यहाँ पे आपका एनुअल जो टर्नओवर है वो कितना है, तो यहाँ पे आपका जितना भी होगा आप सेलेक्ट करिएगा। अगले स्टेप के अंदर पूछा जाता है कि यहाँ पे आप कौन से सिटी में बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी सिटी होगा आप सेलेक्ट करिएगा। देखिए, ऊपर आपको मेन मेन सिटीज जो है वो देखने को मिलेगा, अगर आपका मान लो ऐसा सिटी है जो ऊपर नहीं दिख रहा है, तो व्यू ऑल सिटीज पे क्लिक करके आप अपना सिटी चूज कर सकते हो। अब जैसे ही हमने सिटी चूज किया है, पूछा जा रहा है कि आप ये जो बिजनेस है कितने टाइम से कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं 3 से 5 साल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स कंप्लीट भरना है, तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट फिल करते हैं और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अगले स्टेप के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आप जहाँ पे भी रहते हो वो आपका खुद का घर है या आप रेंट पे ले रखे हो या आपके पेरेंट्स का घर है, तो यहाँ पे आपको ये भी चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन सिक्योर्ड बिजनेस के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार या फिर कुछ ऐसे लोन चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप ये सारा स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, और यही पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं जिनका वजह से उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। तो फुल नेम जो आपके पैन कार्ड पे आपको वो फिल करना है, जेंडर में मेल है या फिर फीमेल है, उसके बाद ईमेल एड्रेस में आपका ईमेल आईडी कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ और पैन में अपना कंप्लीट पैन नंबर यहाँ पे आप फिल कर देंगे। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका पिन कोड पूछा जाता है, आप ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करिएगा और अनलॉक बेस्ट ऑफर्स जो आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देता है उस पर आपको क्लिक
कर देना है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आप अपना डिटेल कंप्लीट फिल करेंगे, पैसा बाजार आपके लिए जो बेस्ट लोन का ऑफर्स होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन कंपनी के द्वारा पैसा बाजार हमें लोन अप्रूव्ड करवाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, पहला है क्रेडिट बी, दूसरा है HDB फाइनेंशियल लिमिटेड जो कि HDFC बैंक की है, और तीसरा है फ्लेक्सी लोन। तो यहाँ पे आपको तीन लोन्स तीन कंपनी के द्वारा दिखाया जाएगा। अब एक चीज आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई साहब हमने पैसा बाजार के लिए लोन अप्लाई किया और यहाँ पे तीन कंपनी कैसे आ गया है। सबसे पहले पैसा बाजार का सिस्टम समझो, बेसिकली आपके डिटेल के हिसाब से इनके जो भी लेंडर पार्टनर है वहां पे आपको रिडायरेक्ट किया जाता है और ये उनसे आपको लोन दिलवाते हैं, मतलब एज अ मेडिएटर का काम यहाँ पे पैसा बाजार करती है। तो यहाँ पे आप जिससे भी लोन लेना चाहते हैं आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लीजिए, EMI क्या आएगा, प्रोसेसिंग फी क्या आएगा, और जो कंपनी का सबसे कम लगता हो उसी का यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए अगर आप 2 लाख रुपए का लोन 3 साल के लिए लेते हैं तो इसमें क्रेडिट भी आपको 1.02% का यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट लगाएगा, 2% का प्रोसेसिंग फी रहेगा, और जो EMI आपका कटेगा 5,643 रुपए पूरे 3 साल के लिए कटने वाला है। वही अगर आप HDFC बैंक से लेते हैं तो साल का 18%, 2% प्रोसेसिंग फी और 7230 रुपए यहाँ पे आपका EMI जाएगा। और वही अगर आप फ्लेक्सी लोन से लेते हैं तो यहाँ पे आपका 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2% यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फी और 7592 रुपए का EMI कटने वाला है। तो तीनों को एक बार आपको अच्छे से कंपेयर करना है, क्योंकि इन तीनों में से मुझे HDFC बैंक अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ट्रस्टेड ब्रांड है और यहाँ से हम लोन लेंगे तो हमें इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप क्रेडिट वीज या फिर दूसरे कंपनी से भी लोन लेते हैं इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पैसा बाजार के अंदर जो भी लिस्टेड है सारे एप्लीकेशन जेन्युइन है। तो यहाँ पे हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने HDFC बैंक को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार लोन की डिटेल दिखाई जाएगी कि यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है वो भी 3 साल के लिए, EMI क्या रहेगा, प्रोसेसिंग फी क्या रहेगा, और 18% यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली रहेगा। ये सब चीज यहाँ पे आपको देखना है और कंप्लीट यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाएगा। इसके लिए आपको चेक वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले आप लोन्स का ऑफर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो कि आपके पैन कार्ड से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, जेंडर में मेल है या फिर फीमेल है, उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अखंड सिंगल है या फिर शादीशुदा है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, सिटी और यहाँ पे पिन कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बिजनेस है, आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आ चुका है, GST नंबर आपके पास नहीं है कोई भी टेंशन नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं अगली स्टेप के अंदर आपको अपलोड पैन कार्ड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो पैन कार्ड अपलोड करने के बाद अब आपको अपनी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जो कि 6 महीने का आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अटैच पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे अपलोड करिएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, तो अपलोड फ्रंट में आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड और अपलोड बैक में आप अपने आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड करेंगे और सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट का पेज आएगा, जहां पे आपको लोन्स की समरी दिखाई जाएगी कि यहाँ पे आप ये लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा आपका डाटा सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, 3 से 4 घंटे के अंदर आपको बैंक से कंफर्मेशन आ जाएगा कि हम आपको लोन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आ जाता है आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल और यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आप सबमिट करेंगे और विद इन अ डे आपका लोन जो है वो अप्रूव्ड होकर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोन की जो EMI है उसको आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट की जाएगी EMI ई मैंडेट के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों आप पैसा बाजार के अंदर कुछ इस प्रकार से लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक ही है, आप जो कंपनी से चाहे वो कंपनी कर सकते हैं, बस आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो पैसा बाजार एप्लीकेशन में कैसे लोन अप्लाई करना है हमने आपको A to Z जो प्रोसेस है वो बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।